नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, वो हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो गवर्नमेंट है वो रेडी हो गई है जो डिफेंस पेंशनर्स के लिए वन रैंक वन पेंशन के पॉलिसी के तहत जो एरियर है उसको रोल आउट करने के लिए। जी हाँ, ये देखिए कि जो गवर्नमेंट है वो रेडी हो गई है डिफेंस पेंशनर्स की जो वन रैंक वन पेंशन जो OROP पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग करने के लिए। साथ के साथ हम बता दें कि जैसे कि जो अग्निपथ स्कीम जो थी उसके अंदर जो रिक्रूटमेंट होनी थी उसके अंदर भी जो कुछ चेंजेस हैं वो भी अब लगातार जो है चल रहे हैं, वो बहुत ही चर्चा में इस वक्त चले हुए हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि डिफेंस पेंशनर्स को जो एरियर है उसके लिए गवर्नमेंट अपनी ओर से 2000 करोड़ रुपए का जो फंड है वो गवर्नमेंट ने अपनी ओर से सेट कर लिया है। जी हाँ, यानी कि 2000 करोड़ रुपए है जो वो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, 2019 से अफेक्ट में आ जाएगी, यानी कि 2019 से शुरू करके जो स्केल है उसको रिवाइज करेगी। अब फाइनली जो ये काम है ये बोला ये जा रहा है कि अगले कुछ ही हफ्तों में जो ये रिवीजन है वो हो जाएगा। अब आपको बता देते हैं कि जो एक्स सर्विस मैन का एक ग्रुप है, ठीक है, जो 3 साल पहले से जो एक्स सर्विस मैन का ग्रुप है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ये मामला है वो पहुंचाया था और उनकी ये डिमांड थी कि जो OROP पॉलिसी है उसके तहत कुछ जो चेंजेज हैं वो किए जाएँ। अब इन्हीं इसी के जो प्रोसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने मार्च के अंदर जो ये मैटर था इसको क्या कर दिया था, अपील को जो चेंज करने के लिए अपील डाली थी उसको रिजेक्ट कर दिया था और जो गवर्नमेंट का जो ओपिनियन था, गवर्नमेंट का जो विचार था इस बारे में वो ये है कि जो हर 5 साल बाद जो रिवीजन है वो होता है। अब क्योंकि जो रिवीजन वैसे तो हर 5 साल बाद होना चाहिए लेकिन जब नहीं मिला तो फिर एनुअल इंक्रीमेंट के लिए जो एक पिटिशनर की तरफ से जो एक डिमांड के अगेंस्ट जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका है जो वो डाली गई थी। अब साथ के साथ उसके अंदर देखो बहुत सारे जो प्रोग्रेस है इस मैटर के अंदर वो होती गई और जो फाइनल अप्रूवल है डिसबर्समेंट के लिए वो अभी होनी बाकी है, यानी कि जो एरियर का जो भुगतान है वो अर्लियर स्टेज पे है बिल्कुल, कि अर्लियस्ट जितनी जल्दी हो सकेगा सरकार का कहना है कि जितनी जल्दी हो सकता है एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ वो इसका भुगतान करने वाले हैं। तो दोस्तों, फाइनली देखो जब जो सरकार की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी तभी माना जाएगा, लेकिन तब तक के लिए हाँ ये बोला जा रहा है कि जो एक रिटायर्ड सोल्जर्स हैं कि जिस तब जब वो रिटायर हुए हैं या फिर जब उन्होंने अपनी सर्विस को छोड़ा है उसके हिसाब से, या फिर जो अभी जो सोल्जर्स हैं वो सिग्निफिकेंटली हायर पेंशन्स मींस कि जो रिटायर हुए थे सेम रैंक पे या फिर उनको अभी जिसको पेंशन ज़्यादा मिलती है, तो दोनों में से जिस हिसाब से भी जिस रैंक के हिसाब से जो है वो रिविज़न है वो उनका किया जाएगा। तो इस बारे में यही निकल कर सामने अभी आ रहा है देखो दोस्तों कि अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 1,33,825 करोड़ रुपए जो इतनी बड़ी जो अमाउंट थी, यानी कि जो टोटल डिफेंस का बजट होता है उसका 28.39%, यानी कि टोटल बजट का लगभग 29% जो है वो एलोकेट कर दिया जाता है डिफेंस पेंशनर्स के लिए। और जबकि डिफेंस बजट में से एस्टीमेट जो 63% है, जो 63% है वो सोल्जर्स और पेंशन्स की जो इकट्ठी काउंटिंग है वो मिला के, मतलब कि 63% सोल्जर्स एंड पेंशन्स दोनों को टोटल बजट का दिया जाता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि सरकार की तरफ से अगली जो ये नोटिफिकेशन है ये कब निकल के सामने आएगी। तो जब भी ये नोटिफिकेशन जो है निकल के सामने आएगी वो हम आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर अपडेट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। दोस्तों, साथ के साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी अन्य अपडेट के साथ।